आज वकबोट पर जिस सिलसिले में हम लोग यहाँ पर आए हैं वकबोट में, शहर में बिलखसूस हलके असम्बली कारवान में वक्फ जायदादों की और सरकारी अरजियात की जो तबाही हो रही है उसका पुरसाने हाल कोई नहीं है। वक्फ बोर्ड को चाहिए कि फौरी से फौरी दरगाह हज़रत अलबेला साहब रहमतुल्लाह अलैह जो बड़े बाज़ार के पास है उस पर लैंड ग्रैबिंग हो रही है और वहाँ रोकने वाला कोई नहीं है। प्लेयर्स उठ गए, कॉलम्स बना लिए पूरा और ना कोई कॉरपोरेशन काम कर रही है बलदिया की, ना कोई रेवेन्यू वाले आके देखने वाले हैं। मफादात हासिला अपने मफाद के तकमील के लिए सब इदारों को मिलाकर इस तरह से खेल खेल रहे हैं। हमारा मुतालबा है गवर्नमेंट से कि फौरी से फौरी गोलगुंडा ख़िला में जहाँ पर वक्फ जायदादों पे कब्ज़े हो रहे हैं और अतराफ़ खंदकियों के अतराफ़ जो वक्फ अराजियात है और सरकारी ज़मीनें हैं उस पर भी उसको खंदकों को बंद करके और जो वहाँ पर वक्फ सरकारी ज़मीनें हैं उसकी भी प्लाटिंग कर दे रहे हैं। इसके साथ साथ टोली मस्जिद से मुतसिल जो ज़मीन है उसके ऊपर नाजायज़ शादी खाने बन चुके हैं। गवर्नमेंट का हाईकोर्ट का आर्डर आ चुका है कि जीएचएमसी उस सिलसिले में जीएचएमसी एक्ट के तहत, म्यूनसिपल एक्ट के तहत उसके ख़िलाफ़ नाजायज़ कब्ज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे डिमोलिशन की। और दरगाह दुर्वेश मोहिद्दीन खादरी रहमतुल्लाह अलैह की भी अराजी को तबाह किया जा रहा है और लैंड ग्राबरों को खुली छूट मिली हुई है। लैंड ग्राबरों की कोई पकड़बंदी नहीं हो रही है क्योंकि उसमें सियासी सरपरस्ती उन लोगों को हासिल है। लैंड ग्रैबर्स को, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, लैंड ग्रैबर्स का कोई मज़हब नहीं होता। दलालों के ये कामों की वजह से आज वक्फ बोर्ड के कई बेशबहा कीमती अराजियात तबाह हो रही हैं। हमारा मुतालबा है कि फौरी से फौरी जहाँ जहाँ वक्फ जायदादें, अभी अभी बालापुर की ज़मीन का मसला होगा, बालापुर में एक एकड़ ज़मीन पर कब्ज़ा हो रहा है। इस तरह से कई ज़मीनों पर, यहाँ पीछे गौलीगुड़ा चमन के पास तकिया ग़ुलाम हुसैन पर कब्ज़ा हो रहा है, 4 एकड़ ज़मीन है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। वक्फ बोर्ड के अतराफ़ में 1 किलोमीटर के अतराफ़ में कई ज़मीनें हैं जहाँ पर इस तरह से इस्तेसाल हो रहा है वक्फ जायदादों का। और वक्फ बोर्ड बनने जा रहा है, लेकिन बनना चाहिए शफाफ लोगों पर, लेकिन जिनके मुजरिमाना रिकॉर्ड है, जिनके ऊपर यानी FIR दर्ज है, उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के बजाय उन लोगों को वक्फ बोर्ड में दोबारा दाखिले के लिए राहें हमवार की जा रही है। हमारा मुतालबा है गवर्नमेंट से कि अगर आप वक्फ के मुतालिक वाकई संजीदा हैं मुसलमानों के मुतालिक, तो फौरी से फौरी ऐसे शफाफ लोगों का बोर्ड बनाएं जिसमें जो बेदाग लोग रहें और वक्फ के लिए काम करें, तहफ़ अवकाफ़ के लिए काम करें, ना कि लैंड ग्रैबिंग में शामिल लोगों को इसमें दाखिला दिया जाए। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।